Hello friends, welcome back to my channel. This is Tanaya again. Today my video is about hand fitting formulation. I mean, what is the exact option for your birds here you have to feed. And isme multiple options aa jayega friends aapke paas mein, but best apne bachcho ke liye provide karna hum log ka kaam hai. वेल फ्रेंड्स, सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्ट जो है फिलहाल मार्केट में वो है वर्सिलेगा कंपनी का A19 एंड A21. बोथ आर सेम, बहुत ही पावरफुल अच्छा फीडिंग रहता है बच्चों के लिए. आप अफ्रीकन ग्रे पैरेट से लेके सैंड कॉर्नियस का कोई कॉर्नियर ग्रुप का कोई भी स्पीसीज हो, फिर हो गया काइक्स, क्वेकर पैरेकिट्स, रिंगनेक्स, कोई भी मकॉज हो गया, तो ब्रेस्ट जो भी है सब पर फीड करा सकते हैं. A19 एंड A21 का फर्क ये है कि इंग्रेडिएंट्स का कुछ डिफरेंस रहता है, अदरवाइज बोथ आर वेरी हेल्दी. एंड आप लोग सभी जानते हैं कि वर्सिलेगा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर बर्ड्स. हैंड फीडिंग स्टेज में बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशन पाए, इसी के लिए ये प्रोडक्ट्स आते हैं. एंड जो पेरेंट्स से खा के बड़े होते हैं ना, उसका जो न्यूट्रिशन जो रहता है वो प्रॉपर नहीं होते हैं. और हैंड फीडिंग चिक्स जो होते हैं उसका परफॉर्मेंस, उसका कलर, उसका बीक, उसका हर एक चीज बहुत परफेक्ट रहता है एंड बहुत हेल्दी रहता है वो लोग. सो सेकेंड ऑप्शन में जो आते हैं फ्रेंड्स, नंबर वन में तो वर्सिलेगा का A19 एंड A21 फॉर श्योर. अच्छा, सेकेंड में फ्रेंड्स आप अगर कुछ देखते हैं तो पेट्स लाइफ का एक प्रोडक्ट आते हैं, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए पेट्स लाइफ A19 एंड A21 की तरह तो नहीं है, पर इट्स ओके, इट्स नथिंग, इट्स नॉट बैड. बट क्या है कि चिक्स के एकदम अच्छाई के लिए अगर देखा जाएगा जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो उसमें तो A19 बेस्ट है. बट होता है कि पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में अगर देखा जाए तो ये एक होता है. न्यूट्रीग्रो बर्ड्स एक है, वो भी बहुत अच्छा है. लगभग वो मैं ट्राई तो नहीं किया, बट मेरा फ्रेंड्स ट्राई किया है अपना बर्ड्स के लिए, तो वो लगभग ओके है. एंड इसके अलावा एग्जैक्ट का जो प्रोडक्ट आते हैं वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे होते हैं, बट वो इम्पोर्टेड है एंड उसका मतलब प्राइसिंग भी बहुत हाई होता है. ओके, सो उसके लिए फ्रेंड हम तो बोलते हैं मतलब A19 एंड A21 वर्सिलेगा का वो तो सबसे बेस्ट है. एंड और एक चीज पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आपको मिल जा सकता है जो कि मेरे नजर में बहुत ही अच्छा है, और अभी इंडियन पीपल काफी उसको यूज कर रहे हैं अपना बर्ड्स के लिए, अपना चिक्स के लिए, हैंड फीडिंग स्टेज का जो बेबीज रहता है उसके लिए. सो वो है रॉयल विंग्स. एक आता है इंडियन प्रोडक्ट है, वो इंडियन जो मेकर्स है वो उसको बनाए हैं एक्चुअली, तो काफी अच्छे उसका बर्ड अच्छा बड़ा हो जा रहे हैं एंड उसका न्यूट्रिशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है. बट फ्रेंड्स मैं एक बात कहूंगी, जब भी आप अपना बर्ड्स को हैंड फिट करा रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे, कोशिश करिए फ्रेंड्स जब एकदम न्यूबॉर्न बेबीज रहता है, एकदम छोटा छोटा चिक्स है, तो वो चिक्स को ना खिलाते वक्त हमेशा न्यूपेप्टाइन यूज करिए. बिकॉज न्यूपेप्टाइन क्या है कि वो डाइजेशन अच्छा करते हैं बर्ड्स का. सो जब आप ल्यूक फॉर्म वाटर के अंदर में वो पाउडर जो फूड जो सॉल्यूशन है मतलब उसको उसमें डाल दिए और उसको स्टार करके उसके अंदर में अगर एक ड्रॉप न्यूपेप्टाइन आप यूज कर दे रहे ना, तो फिर क्या है ना, बर्ड्स का डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होता. सो बर्ड्स अच्छा से रेज होते, उसको हर रोज आपको देने का जरूरत नहीं है. You can skip it for every day. अगर एक दिन आपने दिया उसके बाद नेक्स्ट दिन में आप स्किप कर दिए, फिर एक दिन या दो दिन बाद फिर आपने वो ऐसा किया, उससे क्या होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है. सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही था कि ऑलवेज अपना बर्ड्स को अच्छा से केयर करिए, अच्छा रखिए, एंड दे आर रियली स्पेशल टू अस, एंड हर वक्त उसका केयर करिए. और अच्छा अगर हो तो आप उसको हैंड फीडिंग में रखिए. सो बर्ड्स काफी इससे हेल्दी होगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा, आपका बर्ड्स भी हैप्पी रहेगा. इट्स ओके. सो फ्रेंड्स सॉरी इस बार का वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ. सो
तबीयत कुछ ठीक नहीं था फ्रेंड्स, सो प्लीज प्रे फॉर माई बेबीज एंड ऐसे ही साथ रहिए फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी।